A very good morning to all of you, dear student. First of all, I want to say congratulations for your homework. Yes, student, you are doing your homework very nicely and perfectly. Student, last time हमने common noun के बारे में पढ़ा था, proper noun के बारे में पढ़ा था, पर आज मैं आपको grammatical exercise करवाने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं आपको कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आपको ये अच्छी तरह से परफेक्टली याद रह जाए और कोई आप मिस्टेक न करो. स्टूडेंट प्लीज प्लीज पे अटेंशन इन दिस वीडियो. व्हाट इज अ कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज द जनरल non-specific term for a person, place, thing. Usually common nouns are not capitalized unless they begin a sentence. Student, आपको पता है common noun मतलब जातिवाचक नाम. Common noun generalization करने के लिए हम use करते हैं. वो generalization person, place, thing, etc. मैंने आपको पहले भी बताया था कॉमन नाउन कहीं पे भी यूज हो बीच में लास्ट में तो कैपिटल नहीं आएगा. पर स्टूडेंट इनमें थोड़े बहुत रूल्स हैं. रूल्स क्या है? कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस. अगर सेंटेंस में, मैं आपको और आगे बताना चाहती हूँ, When a common noun appears as the first word in a sentence, it is capitalized. जैसे मैं आपको आगे बता रही थी कि सेंटेंस में कॉमन नाउन अगर फर्स्ट यूज हुआ हो तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड सिटीज Which is a common noun? आपको पता है city word common noun है. Is capitalized in the following sentence only because it is the first word in the sentence. यहाँ पे हमारे पास एक example है. Cities must budget carefully during times of economic difficulty. यहाँ पे city का C क्यों capital हुआ? डियर स्टूडेंट वो इसलिए कैपिटल हुआ कि ये पूरे सेंटेंस में ये कॉमन नाउन फर्स्ट यूज हुआ है, इसलिए इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. अगर यही वर्ड सेंटेंस के बीच में यूज हुआ होता तो कैपिटल नहीं आता, पर ये फर्स्ट यूज हुआ है इसलिए इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. हम आगे बढ़ते हैं नए रूल के साथ. The only other occasion for capitalizing a common noun is if it appears in a title. Yes, common noun अगर टाइटल में आता है, टाइटल में दिखाता है तो भी कैपिटल होगा. कैसे हम देखते हैं, चलो. For example, The word dog is a common noun. आप सबको पता है dog word है वो common noun है. Which would not need to be capitalized. इसको capitalized करने की जरूरत नहीं है. पर यहाँ पे हम example देखते हैं. In the title, my dog skip. However, the common noun dog is capitalized. Since this is the title of a book and a movie. मैम आपने तो बोला था कि कॉमन नाउन अगर बीच में आए, लास्ट में आए तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल नहीं होगा, पर ना ही ये तो फर्स्ट है जो कैपिटल होगा, तो ये बीच में आए तो भी कैपिटल क्यों? वो इसलिए बच्चों कि ये माय डॉग स्किप ये किसी बुक या तो मूवी का टाइटल है. अगर बुक या मूवी का टाइटल में कॉमन नाउन यूज हुआ हो, भले वो बीच में हो चाहे लास्ट में हो, तो भी उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. मैं फिर से दोहरा रही हूं, अगर कोई बुक या तो मूवी उसका टाइटल में
बीच में या तो लास्ट में कोई कॉमन नाउन यूज हुआ हो तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक यूनिक पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। ऑलमोस्ट ऑलवेज कैपिटलाइज। दिस इज ट्रू वेदर दे बिगिन अ सेंटेंस और नॉट। ये प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता है कि हम किसी को पर्टिकुलर नाम दे दे तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, और वो हमेशा बीच में हो, लास्ट में हो, फर्स्ट में हो, कहीं पे भी हो, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपनी ग्रामर टेक्स्ट बुक निकालो, इसमें पेज नंबर 14, एक्सरसाइज ए, ग्रामर बुक। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, हमें प्रॉपर नाउन यहाँ पे लिखे हैं, कॉमन नाउन यहाँ पे है। व्हाइट हाउस क्या है? बिल्डिंग। आमिर खान क्या है? एक्टर। गंगेश, रिवर। मुंबई, सिटी। स्पाइडरमैन, सुपर हीरो। मूवी, टाइटेनिक। जापान, कंट्री। आपको ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड लिखने हैं अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 15, एक्सरसाइज सी, ग्रामर बुक। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड को देख के यहाँ पे कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन वो लिखना है। माई अंकल लिव्स इन अ बिग सिटी। सिटी वर्ड में अंडरलाइन है तो सिटी एक कॉमन नाउन बन गया, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कॉमन नाउन का सी। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल एक रिवर का नाम है और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर एन कैपिटल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर नाउन का पी। आई प्ले टेनिस विथ माई नेबर। नेबर का एन स्मॉल है तो आंसर आएगा कॉमन नाउन। वी हैव टू डेज हॉलीडे फॉर दिवाली। दिवाली का डी कैपिटल है तो हम प्रॉपर नाउन यूज करेंगे। तनिषा इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो एम वर्ड मॉनिटर वर्ड के नीचे अंडरलाइन है तो एम स्मॉल है तो हम यूज करेंगे कॉमन नाउन। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज, एक तो आर स्मॉल है, ऊपर से कोई पर्टिकुलर नाम भी नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 15, एक्सरसाइज डी, ग्रामर बुक। इन शिमला इट स्टार्ट स्नोइंग इन दिसंबर। अब इस सेंटेंस में ना ही कहीं कैपिटल लेटर है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको ढंग से लिखेंगे। आई का आई कैपिटल, इन शिमला, शिमला में एस कैपिटल, इट स्टार्ट स्नोइंग इन दिसंबर, दिसंबर का डी कैपिटल। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम का आर कैपिटल, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, इटली का आई कैपिटल। माई सिस्टर रुचि इज रीडिंग अ बुक कॉल्ड ट्रेजर आइलैंड। यहाँ पे माई सिस्टर का एम कैपिटल, रुचि का आर कैपिटल, इज रीडिंग अ बुक कॉल्ड ट्रेजर आइलैंड। यहाँ पे टी कैपिटल और आई कैपिटल क्योंकि ये बुक का नाम है। रोजर फेडरर इज अ फेमस टेनिस प्लेयर। यहाँ पे नाम है इसलिए कैपिटल जाएगा। रोजर फेडरर इज अ फेमस टेनिस प्लेयर। आई विल गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन सैटरडे। आई कैपिटल, आई विल गो टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन सैटरडे का एस कैपिटल। आई एंजॉय वॉचिंग सुपरमैन मूवीज। आई कैपिटल, आई एंजॉय वॉचिंग एस कैपिटल सुपरमैन का, सुपरमैन मूवीज। लास्ट, द रिवर यमुना फ्लोस थ्रू आगरा। द रिवर यमुना का वाई कैपिटल, फ्लोस थ्रू आगरा, आगरा का ए कैपिटल। हम आगे बढ़ते हैं। अब है होम प्रैक्टिस का टाइम। बच्चों पेज नंबर 14, एक्सरसाइज बी, फ्रॉम ग्रामर बुक एंड राइट आंसर्स ओनली इन ग्रामर टेक्स्ट बुक। आपको पेज नंबर 14, एक्सरसाइज बी,
जो ग्रामर बुक में है उसको आप सिर्फ आंसर लिखोगे, वो भी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में नहीं। एंड प्लीज सेंड योर होम प्रैक्टिस इमेज विथ नेम, क्लास एंड सेक्शंस ऑन माय मोबाइल नंबर 9978411818। बच्चों प्लीज जब आप मुझे इमेज भेजो तो अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना प्लीज ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट।